माँ का तो नाम ही प्यार और शफकत का है। हैदराबाद से अब्दुल्ला शेख हमें एक ऐसी मेहनत कश माँ से मिलवा रहे हैं जिसकी कुल कायनात उसके चार बच्चे हैं। अपने टूटे फूटे ठेले पर गली गली जाकर कबाड़ का सामान जमा करने वाली यह है 40 साल साजदा। पिछले 8 साल से धूप हो या छांव, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए ये गली गली जाती है। थकन चूर साजदा जब वापस घर पहुंचती है तो अपने बच्चों को देखकर इसकी सारी थकन उतर जाती है। उसे फखर है कि वह बच्चों को मेहनत करके पाल रही है। मुझे शर्म नहीं आती, मुझे इस बात की शर्म आती है जो भीख मांगते फिरे लोगों के घरों से, बुरे काम करते फिरे, हराम खाते फिरे, मेहनत करके खाओ, मेहनत में काहे की शर्म, नबियों पैगंबरों ने की। दूसरी शादी के बाद शोहर ने उसे छोड़ दिया तो चार बच्चों की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ पड़ी, जिनके खातिर उसने शादी नहीं की। उसे माशरे से कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ना दिलाने का गम जरूर है। अगर बेटा मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती और लिखाती और फौज में भर्ती करवाती अपने बच्चों को। तंग व तारिक गलियों में वाके किराए का छोटा सा मकान और चार बच्चे साजदा की कुल कायनात हैं। इसका आजम है कि वो इसी तरह मेहनत करेगी लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। काबिले फखर है साजदा और इस जैसी दीगर माएँ जो कि मुश्किल हालात के बावजूद न सिर्फ अपने घरानों की किफालत कर रही हैं बल्कि उनका किरदार इस माशरे के लिए मिसाल राह है। अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, हैदराबाद।